हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दुलाचंद दास स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नए मोटिवेशनल वीडियो में। मैं फिर से लेकर आया हुआ हूं दोस्तों। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो सीखने के विषय में बतलाया हुआ था, वो भी बहुत अच्छा एक मोटिवेशनल वीडियो है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देता हूं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में बातें करने वाला हूं हैबिट्स के बारे में। आप में हम में जो हैबिट्स डेवलप होता है उसको किस प्रकार से हम लोग अच्छे हैबिट्स बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने फ्यूचर को नहीं जानता। अपने फ्यूचर को जानने के लिए बहुत सारे अलग अलग लोगों के पास जाते हैं। कोई पंडित के पास जाता है, कोई ज्योतिष के पास जाता है, कोई और किसी हस्तरेखा देखने वाला ऐसे लोगों के पास जाता है जो हाथ की रेखाएं देखकर बताते हैं कि आपका भविष्य उज्ज्वल है, इस प्रकार से है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसे लोग रियल में किसी का भविष्य जानते होंगे? मैं समझता हूं ये बिल्कुल सही नहीं लगता। वे लोग एग्जैक्टली कोई किसी का फ्यूचर बतला दे, मुझे नहीं लगता ऐसा। और वाकई में ऐसा होता ही नहीं है कि किसी का फ्यूचर एग्जैक्ट में बतला दे। लेकिन दोस्तों, एक चीज है कि कहा गया है कि आप जैसा आदत डेवलप करते हैं उसके हिसाब से आपका फ्यूचर बन जाता है। कहने का मतलब है कि आपकी आदतें ये तय करती है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इसी के विषय में मैं बात करूंगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर दे रहा हूं जो थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप में बहुत वायरल हुआ था। आप लोगों के पास भी गया होगा, आप लोग देखे होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे उसको। उस स्टोरी में एक व्यक्ति रहता है जो ट्रेन में सफर करता है और सामने में एक बच्चा बैठा हुआ रहता है, वो कोई अपना बुक पढ़ रहा होता है और बगल में उसके पेरेंट्स रहते हैं। तो आदमी उसको देखकर आश्चर्यचकित होता है कि ये बच्चा अपना पढ़ाई कर रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है। तो उसके पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या ये बच्चा आपका है? तो बोलते हैं हाँ, ये तो बच्चा हमारा ही है। फिर उसके पेरेंट्स से वे पूछते हैं कि आपका बच्चा इस प्रकार से ये जो स्टडी कर रहा है, आजकल के बच्चे जो है ज़्यादातर मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, मोबाइल में टाइम बिताते हैं, तो आपने अपने बच्चे को ये आदत कैसे डलवाया? तो आदमी बतलाता है एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जिस आदत को हम लोग पकड़ के रखते हैं वही आदत बच्चे में चला जाता है। वो आदमी उसको बतला रहा है कि हम लोग भी अपनी आदत को सुधारें, कि हम लोग जो घर में हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का काम करते हैं, मोबाइल को ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, जितना भी ज़रूरत होता है उतना ही यूज करते हैं। तो बच्चा वही देखता है और उसी प्रकार से वो भी सीख गया। तो इस प्रकार से इस कहानी से हम लोग को पता चलता है कोई बच्चा जो उसका आदत डेवलप हुआ है वो अपने बड़ों को देखकर उसके अंदर वो आदत डेवलप होता है। तो बहुत बड़ा बात ये मायने रखता है कि किसी बच्चे का जो आदत, उसका गुड हैबिट्स जो डेवलप होगा वो डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स पे, उसके पूर्वजों पे, जो आमने सामने लोग हैं उस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप में सबसे पहले आप अपनी आदत सुधारना होगा। गार्जियंस जो है, आप अपनी आदत सुधारिए। आप जैसा आदत आपके पास रहेगा वही आदत ट्रांसफर होगा आपके बच्चे में। पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने बच्चे में अच्छी आदत डालने के लिए अपनी आदत अच्छा करके रखना होगा, तभी उस बच्चे पे हम उम्मीद करेंगे कि वो बच्चा अच्छा आदत सीखेगा। और अगर एक बार आपका बच्चा अच्छी आदतें सीख जाए तो फिर आपको उसके पीछे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। निश्चित रूप से वो आगे चलकर कुछ ना कुछ देश के लिए अच्छा करेगा, सबके लिए अच्छा करेगा, सबका नाम रोशन करेगा। और अगर किसी बच्चे में गंदी आदतें लग जाए, अगर छोटा है बच्चा तो हम उसको किसी तरह से डांट के उसका आदत को हम चेंज करवा सकते हैं, लेकिन बच्चा अगर बड़ा हो जाए, 8th क्लास या उससे अबव का जो बच्चा होता है वो जान जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरे अंदर क्या बैड हैबिट्स हैं, गलत आदतें हैं, लेकिन फिर भी वो इतने दिन से बचपन से उसका आदि हो जाता है, उसको आदतें सुधारने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आसानी से वो आदत सुधार नहीं पाता। ये आदतें हमारे अंदर डेवलप कहाँ से होता है? कहने का मतलब आदतें जो बनती है उसका सोर्स कहाँ से है? तो मुख्य रूप से आदतों का दो सोर्स है। पहला हो गया अनुवांशिक, जो हम लोग अपने पूर्वजों से, अपने फैमिली से पाते हैं, और दूसरा हो गया संगत, जो हमारे आसपास जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव होते हैं, जिसके साथ हम लोग समय बिताते हैं, तो उनसे हमें फिर हमारे जो आदतें मिलती है, गलत हो या अच्छा हो, जो भी आदतें मिलती हैं इन लोगों से मिलती हैं। तो हमारी जो अनुवांशिक आदतें हैं जो पूर्वजों से मिलती है हमें,
तो वो आदतें अगर गलत आदतें हों, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पिताजी का आदत अगर कुछ थोड़ा भी खराब है, तो वो आदतें जब आपके अंदर आती है तो वो और ज्यादा डेवलप हो जाती है, मतलब और ज्यादा खराब हो जाती है और उसको सुधारना और मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे इतना बात जान लेना है कि वो चीज अगर आपको पता चल चुका है कि ये आदत खराब है, तो आप ठान लीजिए कि उस आदत को आपको सुधारना है, हर हाल में सुधारना है। जब तक आपको नहीं पता था तो फिर तब तक तो कोई बात नहीं था, लेकिन जब पता चल चुका है कि सुधारना है, तो फिर आप ठान लीजिए, मन में ठान लेना है कि इस आदत को किसी भी हिसाब से किसी भी तरह हमको छोड़ना है। और उसके लिए कई सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, एक योजना बनाना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे आप जो है उस आदत को सुधार सकते हैं। सबसे पहली बात, अपने वैसे फ्रेंड, वैसे रिश्तेदार से आपको नहीं मिलना है जो गंदी आदतों में डूब चुके हैं, जो आपको दूसरा कुछ सिखाते हैं। हो सकता है आपको सिगरेट पीने के लिए सिखाते हो, इस तरह की जो भी आपका मित्र या रिलेटिव है उससे बिल्कुल भी नहीं मिलना है, पहली बात। और दूसरी बात, इस तरह की कई बातें मतलब आप बना सकते हैं। समाज में आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव सलाह देते हैं, हर बात पे बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ये करोगे तो ये हो जाएगा, इस तरह की नेगेटिव जो एडवाइस देते हैं आपको, उनकी बातें नहीं सुनना। ऐसे लोगों के साथ रहना जो हर वक्त आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, जो कुछ करने की बातें करते हैं, जो कुछ पाने की बातें करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको रहना। इससे क्या होगा कि आपके अंदर भी आत्मविश्वास आएगा, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो आप खुद अपना जो भी हैबिट्स है उसको रिमूव करेंगे। ये इतना आसान नहीं है कि मैंने कर दिया और आपने अपना आदत आराम से सुधार लिया, ये आसान नहीं होने वाला, ये काफ़ी मुश्किल है कि आप अपनी आदत को आराम से सुधार लें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कई सारे अपने आसपास लोगों को देखा है कि अपनी आदत सुधारने के बजाय उन लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दिया। ऐसा हुआ, ये रियलिटी है, लोगों के साथ ऐसा होता है। वो जिस आदत में जीते रहते हैं उसी को जिंदगी मान लेते हैं और उसको किसी भी हाल में चेंज नहीं करना चाहते, और ये तय है कि वो अपनी आदत अगर जब तक नहीं सुधारता है उसका जीवन डेवलप नहीं करेगा, वो लाइफ में सक्सेस नहीं होगा। वही आदत में अगर वो जीता रहेगा तो उसको परिणाम वही मिलेगा। अपनी आदत को जब तक वो डेवलप नहीं करेगा, अपनी आदत को जब तक वो गंदी आदत को रिमूव नहीं करेगा, तब तक वो लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता। तो आप अंतिम बातों में ये समझ लीजिए कि आपको किसी भी हाल में जितनी भी गंदी आदतें हैं उसको छोड़ना है, उसके लिए मन में आपको ठान लेना है, नो पेन नो गेन, बिना कष्ट के आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। विवेकानंद जी ने कहा था, जागो, उठो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो आपको आदतें चेंज करने में कष्ट होगी, लेकिन आप तब तक में लगे रहो उसमें, आप तब तक उसके पीछे मेहनत करते रहो जब तक कि आप अपनी आदत सुधार नहीं लेते हैं, क्योंकि एक यही रास्ता है अपना फ्यूचर तय करने का। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी प्रकार का एक नए मोटिवेशनल वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।